चाइना का दो नाम क्यों नहीं है, पाकिस्तान का दो नाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? पूछे जाओ, वो इन लोग ना दुश्मन की पहचान है ना अपने समाज की लोग पहचान है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपने समाज के लोगों को गुमराह करेंगे, कहेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है ही कहाँ? ये ओबीसी के भी नहीं है, ये जासूस है। ये अभी रहते तो मैं इनके मुंह पे कहता जासूस है। हाँ, ये ओबीसी के भी नहीं है। हाँ, जाएंगे वहाँ पे दो चार लोगों को तोड़ेंगे, दो चार लोगों को भाकाएंगे, अरे यहाँ पे क्यों आए हो? ये लोग तो अपने पैसा कमाने के लिए, अपने धंधा करने के लिए ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों की कमाई ये है, ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल को क्या समझते हैं? यू टर्न मारने में उसका बाप है ये, कांग्रेस और बीजेपी का। और जिन्होंने बाबा साहेब की बातों को नहीं माना वो आज भटक रहा है और सड़कों पे है। बाबा साहेब पहले कह रहे हैं कि राजनीति में हिंसा नहीं लेने का मतलब कि अशिक्षित लोग आप पे राज करेंगे, और आज वही है। इनको पैसा मिलता है, फंडिंग। अभी मनीष कश्यप का हाल देख रहे हैं, वो कहता है सन ऑफ बिहार। रामलीला मैदान में आज बहुजन संसद लगाया गया, जिसमें तमाम बहुजन समाज के नेता आ रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, वावन मिश्राम हो, तमाम जितने बहुजन समाज के बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, जिन्हें लोग देखते हैं, वे लोग सभी मंच पर मौजूद हैं। और बहुजन समाज के लोग भी देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, कोई राजस्थान से आया, कोई गुजरात से आया, कोई यूपी से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि बहुजनों का जो हक है वो हक उन्हें नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? तो गुजरात के रहने वाले हैं, सब कुछ बेहतर है। मेरा नाम भरत सुतार है, मैं ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया का रीजनल प्रेसिडेंट हूँ। बस ऐसे ही जुमावड़े होने चाहिए, एक दूसरे के विचार जानने चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। बाकी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुजन समाज सोया हुआ है, उसकी वजह से जो 3% और 13% है वो अपनी हक को खा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जातिगत बस्ती गणतरी होनी चाहिए, वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसे सम्मेलनों से कुछ असर होती है, पर यहाँ से लोग जाते हैं भूल जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसको रीजनल लेवल पे छोटे छोटे गांवों तक इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो लेकिन मोदी जी हैं, सब बेहतर कर रहे हैं, मोदी जी खुद बहुजन समाज से आते हैं, आपको क्या लगता है मोदी जी कौन है? कौन है? कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, पर बहुजन समाज वो तो सबके पूरे इंडिया के है ना, बहुजन समाज से या अपर समाज से नहीं है, करने वाले तो जो बैक सीट में बैठे हैं वही कर रहे हैं ना, जो अपने सांसद अपने अपना वहाँ नेतृत्व तो नहीं है, न न्यायपालिका में, न राजपालिका में, न कार्यपालिका में, तो अपना क्या आएगा रिजल्ट? कुछ तो आगे बढ़ने के लिए अपना आदमी चाहिए। मोदी जी बहुजन समाज के या अपर समाज के ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पूरे राष्ट्र के है नेता। मोदी जी के पीछे जो अपने काम करने वाले आदमी जो होने चाहिए, जो अपने समाज के होने चाहिए, कोई है ही नहीं। अपना ना राजनीति में 2-1-2% है, अपना 82-85% अगर अपन वो पिछड़ा वर्ग मानते हैं तो उसमें 2-3% है न्यायपालिका में, तो क्या करेंगे? कॉलेजियम सिस्टम है, जजमेंट में ये है, रोस्टर सिस्टम है, कहीं भी अपना नहीं है। भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटा है, मोदी जी दूसरी बार चुन करके आए हैं, तीसरी बार जिताइए और बेहतर होगा। मैं मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हूँ, हमारा दोनों का वोटिंग जगह एक ही है, इसीलिए मैं जानता हूँ कि मोदी जी क्या है। मोदी जी में जो शक्ति है वो आज तक कोई किसी में नहीं थी, पर उसको काम करवाने के लिए पावर है, पर मशीनरी भी तो चाहिए ना, अपनी मशीनरी नहीं है। मोदी जी फेल है या पास है? पास है, 100% पास। मोदी जी में कोई नुक्स नहीं है। तो किसमें नुक्स है? अपने मामला, अपना समाज सोया हुआ है, वही नुक्स है। समाज कह रहा उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनके हक और अधिकार को नहीं दिया जा रहा है। वो पहले ऐसा ही था ना, जो अभी अभी है, जो रामचंद्र, उसके लिए मोदी जी ने काम नहीं किया ना, उसके लिए मोदी जी काम करना चाहिए था। मोदी जी को सपोर्ट करेंगे तब करेंगे ना, मोदी जी काम कर रहे हैं, पर मोदी जी के साथ में जो मशीनरी होनी चाहिए अपनी नहीं है। अपना समाज जाग के, मशीनरी है अपना, अपना बहुजन समाज जाग के उनके पास जाएगा तभी तो कुछ होगा। अरे सर, क्या आप जानते हैं जब कोई अधिकारी कर्मचारी काम करता है ना, उसके ऊपर दबाव नेताओं का होता है, नेता जैसा बोलेगा अधिकारी कर्मचारी वैसा ही काम करेगा, तो यहाँ पर कोई काम तैयार नहीं करने के लिए, क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं आ रहा है।
नहीं उसमें ऊपर से थोड़ा आदेश आता है भाई, काम तो अपने को करना है ना, अपने मांग अपने अधिकार के लिए अपने को जागरूक होना पड़ेगा, ये जागृति मिशन है अपना। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम भरत सुतार है। सुतार जी, ये लोग जिसको कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, ये सनातन शब्द जो है बहुत धर्म का है, और बहुत धर्म भी नहीं है, वो धर्म है जिसने अशोक ने महामंत्रों से उस अशोक ने बढ़ाया था। ये इंडिया है, बाबा साहब ने सीधा लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और भारत एक बगीचा, इसमें सभी सभी लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म है ही क्या? और ये लोग कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म, तो सबसे पहले ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना। सर सही बोल रहे हैं, उनके विचार उनके लिए सही है, मेरे लिए नहीं है। हिंदू राष्ट्र के मैं हिंदुस्तान मीन्स भारत या इंडिया कुछ भी कहो, यहाँ का रहने वाला हूँ, इसको अगर हिंदुस्तान बोलो तो मैं हिंदू हूँ, बोलो तो मैं भारतीय हूँ। इंडिया बताइए कि चाइना का दो नाम क्यों नहीं है, पाकिस्तान का दो नाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है पूछे जाओ, बांग्लादेश का दो नाम क्यों नहीं है, यूएसए कनाडा का दो नाम क्यों नहीं है, भारत का नाम भारत, इंडिया, आर्यावर्त, पता नहीं कौन सा, कैसे कैसे बोलते हैं, हिंदुस्तान, चार नाम कैसे हो जाएगा? यहाँ पे सांप, गोंजर, बिच्छू, छुछुंदर सबकी तुलना एक ही से कर दोगे? यही तो अपने देश को कहते हैं कि हम बहुजन समाज के लोग हैं, ये अपनी जड़ों को नहीं पहचानते हैं। इसीलिए दीनबंधु छोटू राम ने कहा कि मेरे भोले किसानों, मेरी दो बात को पहचानो, पहला बोलना सीखो, दूसरा दुश्मन को पहचानो। इन लोगों की ना दुश्मन की पहचान है, ना अपने समाज की लोग पहचान है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपने समाज के लोगों को गुमराह करेंगे, कहेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है ही कहाँ, कहाँ हिंदुस्तान है? बाबा साहब ने सीधा कहा कि ये इंडिया है, दैट इज भारत। आउट ऑफ इंडिया में जाइए, कहेंगे व्हिच कंट्री, किस देश के हैं, तो भारत का तुरंत नाम लेंगे, इंडिया कहेंगे, वो रेड इंडियन, वो लोग रेड इंडियन कहते हैं। हाँ, इंडिया का नाम से पॉपुलर है। ये लोग अपने देश को बर्बाद कर, समाज को भी ये लोग बर्बाद करते हैं। ये लोग को नाम भी नहीं लेने आता है, और समाज का नाम, क्या नाम है आप? ढाबा, मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह, मैं बक्सर बिहार से हूँ, और मैं पंजाबी हैं। नहीं नहीं, मैं बिहार से हूँ, बक्सर से हूँ। बताइए जो आपके शेड्यूल कास्ट से, जो आपके समाज, मुखर्जी नगर में रहता हूँ, आईएएस की तैयारी भी करता हूँ, रात में जॉब भी करता हूँ, कोचिंग भी करता हूँ, अब यहाँ पे दो दिन का प्रोग्राम है, मैं हमेशा भी आता हूँ। ऐसे ऐसे नौजवानों की बहुत जरूरत हमारे देश को। शंभू सर से मैं पहले से ही जुड़ा हूँ, मैं हमेशा नेशनल दस्तक हो, आर्टिकल 9 हो, नीरज पटेल का हो, ये प्रोफेसर रतनलाल हो गए, लक्ष्मण यादव, बहुजन समाज के चैनल है, सबको आप देखते हैं, सबको फॉलो करता हूँ, ये सोशल मीडिया के सूत्रधार हैं, इनसे बड़े कौन है। लेकिन एक बात बताइए कि ओबीसी समाज के हैं, कह रहे हैं कि जहाँ से मोदी जी जिस विधानसभा से आते हैं वहीं से भी आते हैं, कौन जो भाई साहब थे, ये ओबीसी के भी नहीं है, ये जासूस हैं, ये अभी रहते तो मैं इनके मुंह पे कहता, जासूस हैं। हाँ, ये ओबीसी के भी नहीं है, नाम लेंगे ओबीसी के और कहेंगे कुछ और। ये भारत के लोग नकलची बहुत से होते हैं, कहते मतलब कुछ और, बहुजनों के सम्मेलन में जासूस आ गया था, जासूसी करने, ये ऐसे करते हैं ये। हाँ, जाएंगे वहाँ पे दो चार लोगों को तोड़ेंगे, दो चार लोगों को भगाएंगे, अरे यहाँ पे क्यों आए हो? ये लोग तो अपने पैसा कमाने के लिए, अपने धंधा करने के लिए ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों की कमाई ये है। देखिए, यहाँ पे धर्म के नाम पे धंधा, यहाँ पढ़ा लिखा अंधा। जिस देश का प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। जिस देश के प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर को आप बात करते हैं, अरे मोदी जी प्रचार करने जा रहे हैं सब जगह, प्रचार करने में तो आगे है, वो प्रचारे में तो सारा पैसा लेकर के डुबा दिया। अरे भाई, बीजेपी है तभी हम लोग सुरक्षित हैं, कुछ नहीं है, इस बात को मत भूलिए, पाकिस्तान का कब्जा होता, ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल को क्या समझते हैं, यू टर्न मारने में उसका बाप है ये, कांग्रेस और बीजेपी का। अरे महा ईमानदार आदमी है केजरीवाल, उसके जैसा ईमानदार तो मेरे को लग रहा है विदेशों में भी नहीं मिलेगी। इन अभी गुजरात को बीजेपी के हाथ में क्यों दिया गया कि बेटा तू हिमाचल को ले लो और मेरे को गुजरात दे दो, नहीं तो मेरे से बढ़िया बिस्तर, क्योंकि हमारा घर है, मैं घर में नहीं रहूंगा तो लोग बाहर में नहीं रहने देंगे। ये राजनीति को पहले देखिए, नवीन जी राजनीति को समझिए कि इनका एजेंडा चल क्या रहा है। आप पत्रकारिता करते, मैं आपको भी देखता हूँ, ठीक है, चंत्र मंत्र पे जिस दिन आपको बायकॉट किए थे, मैं आपका वीडियो पहले गौर से मैं देख रहा था, ठीक ना। आप जहाँ पत्रकारिता करते हैं, लोग आपको यदि बायकॉट करते हैं, आपका विरोध करते हैं, तो लोग कौन है आपके और हमारे भेष में लोग जो ढुकते हैं, उन लोग कौन है उनकी, देखिए यहाँ के एजेंडा को, इनके राजनीति को, हमारे समाज में जो लोग हैं ना, वो अपने आप को गिना देते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत हम कैडर हैं। और देखिए, अपने समाज में लोगों को कैडरों की तो कमी है, लेकिन इनके समाज में क्या है कि 15% लोगों में अनपढ़ कम है, लेकिन इनमें जो इंटरनल यूनिटी है ना, आंतरिक जो मजबूती है बीजेपी कांग्रेस में, वो मजबूत है, जो हमारे और आप में नहीं है, बहुजन समाजों में। हमारे लोग क्या है कि अपने आप को साबित करने लगते हैं कि मैं बाबा साहब के बारे में जानता हूँ, मैं पीआर फूले के बारे में जानता हूँ। हाँ, ये अपने आप को साबित,
वो अपने लोगों को मोटिवेट करने में और जोड़ने में बहुत आगे हैं। कांशीराम अच्छे वक्ता नहीं थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, साइकिल से चल चल करके लोगों को इकट्ठा, लेकिन समाज के लोग अपने बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने लग जाए, ठीक है, तो इन लोगों को ये गुमराह। लेकिन कांशीराम साहब ने कहा था ना कि अगर समाज में कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसके लिए हम लोग निमंत्रण नहीं देते, आप खुद आइए। एक बात बताइए कि हमको कोई निमंत्रण दिया था, बताइए। लेकिन बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं हो रहे, दिक्कत इस बात की है। अभी बताइए कि हमारा ये कोई घर क्या है, क्योंकि हमारे समाज की जहाँ हक और अधिकार की बात होगी वहाँ मैं जाऊँगा, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। बाबा साहब ने पहले ही कह रखा है, सबसे पहले लोग पेरियार फूले अम्बेडकर की जो विचारधारा को फूलो। रोडों पे कौन भटक रहे हैं, दुख किसको हो रहा है, जो बाबा साहब की बातों को माना है वो आज भटक नहीं रहा है, और जिन्होंने बाबा साहब की बातों को नहीं माना वो आज भटक रहा है और सड़कों पे है। बाबा साहब पहले कह रहे हैं कि राजनीति में हिस्सा नहीं लेने का मतलब कि अशिक्षित लोग आप पे राज करेंगे, और आज वही है। धर्म के नाम पे धंधा, पढ़ा लिखा भी अंधा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, 19 में पुलवामा अटैक करा करके और राजनाथ सिंह को गृह मंत्री के पद से हटा करके गृह मंत्री का पद ये लिया अमित शाह, इनके ऊपर समझिए कि आईपीसी सीआर देश के तो सबसे बड़ा। देखिए राजनाथ सिंह जब 2014 में बने थे देश गृह मंत्री, उन पे आरोप लगता था जब कहीं पर कुछ गोलीबारी होती थी, जवान मारे जाते, शहीद होते थे, तो निंदा कर देते थे, लोग निंदा नाथ बताने लगे थे, बीजेपी मजबूरी थी। देखिए ये इनकी एजेंडा था। हाँ, ये जो गृह मंत्री का जो पद था ना, होम मिनिस्टर का, ये तो देना था अमित शाह को, और ये नरेंद्र मोदी का चाचा है, और दोनों गुजरात का टेररिस्ट है जिन्होंने गोधरा। ऐसे मत बोलिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। शिक्षा का मतलब ये होता है कि सही को सही और गलत का गलत ना कहो ना। इनके जब तक दबाव में आप डरोगे कि किसी के ऊपर बुलडोजर चला दे, किसी को जेल में डलवा दे, टेररिस्ट कौन है? सुनिए, टेररिस्ट कौन है? एक काम है कोर्ट का डिसाइड करना, कोर्ट बताएगा कौन टेररिस्ट है, कौन दोषी है, कौन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। एक बात बताइए कि क्या देश के प्रधानमंत्री और उसके मंत्री को ये डिसाइड करना है कि किसान आंदोलन कर रहा है तो आतंक खालिस्तानी है और मवाली है? ये मोदी जी ने कभी नहीं बोला, अमित शाह जी ने कभी नहीं बोला, राजनाथ ने कभी नहीं बोला, किसने नहीं बोला? अरे टीवी वाले बोल रहे थे, टीवी वाले तो उसको दलाल है, वो भांड मीडिया है, वो डमरू मीडिया है, वो अंजना ओम कश्यप हो गए, रूबिका लिया को तो चित्रा त्रिपाठी हो गए, इनको पैसा मिलता है फंडिंग। अभी मनीष कश्यप का हाल देख रहे हैं, वो कहता है सन ऑफ बिहार। अब उसके लिए क्या बोला जाए, पत्रकारिता का धर्म होता है कि सच्चा खबर दिखाना, पारदर्शिता जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारे तंत्रों पर इनकी कब्जा है। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अभी बताइए, हिंदू राष्ट्र तो एक मिनट में चाहते घोषित करते, इनका हिंदू राष्ट्र के चक्कर में ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है, ब्राह्मण राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे। अरे मोदी जी देखिए, मोदी जी पंडितों को अपने यहाँ टिकने नहीं देते। एक बात बताइए, जो ये क्या नाम था जी, आम आदमी पार्टी में एक मंत्री थे इनका, गौतम क्या तो करके, राजेंद्र गौतम, इनको कह रहे हैं कि आप एक संवैधानिक पद पे सोशल डिफेंस मिनिस्टर जो है, आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो राम मंदिर का जाकर के पूजा कर सकता है, बताइए। ये कानून कहता है, देश का संवैधानिक अधिकार कहता है कि यदि आपको 1991 में धर्म स्थल का कानून आया था, कांग्रेस ने लाई थी, यदि आप कोई पूजा पाठ में करने और करवाने जाते हैं तो आप 24 घंटा या 2 दिन के लिए। मोदी जी हिंदू हैं, भगवान श्री राम का मंदिर जो वही लोग बनवा रहे हैं, तो जाएंगे पूजा करने, जाएंगे कपाट खोलने, जाएंगे लोगों को आह्वान करेंगे, आप लोग आइए यहाँ पर पूजा कीजिए। वो तो पहले कह रहे थे कि हम तो ओबीसी है, मैं ओबीसी के माँ का बेटा हूँ। भाई दिक्कत क्या है, अरे हिंदू में तो SC ST OBC जनरल है, हिंदू है ही का, वो हिंदू के नाम का, हिंदू है ही का, तो हिंदू कैसे हो गए? जब हिंदू है ये नहीं है तो नरेंद्र मोदी हिंदू है वो ही क्या गया? मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो पगड़ी बांध रखा है कुछ लोग आपको सिख समझ लेंगे पंजाबी। नहीं, ये कोई प्रचार नहीं है। हमारे गुरु गोविंद सिंह, देखिए इसके बांधने का मतलब ये नहीं कि मैं सिख हो गया, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का। मोदी जी कहते कपड़े से पहचान लेते हम लोग, वो मोदी जी वाला मैं नहीं बनाऊं कि जो 1980 में जो दंगा हुआ था ये बांध करके पारना और चोरों की तरह भाग निकले थे, वो वाला मैं सिख नहीं हूँ। मेरे गुरु गोविंद सिंह को भी फॉलो करता हूँ, नानक साहब को भी फॉलो करता हूँ जिन्होंने कह रखा है कि नो रेस्ट नो कास्ट, और पेरियार फुले अम्बेडकर को मैं खाटी एक अलग चेला हूँ। हाँ,
मैं कोई भी यदि गोदी मीडिया के कोई भी पत्रकार हो, इनको टीवी डिबेट करना होगा तो मेरे से कर लेंगे, लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनका है कि वही हाल है कि रणुओं की अब सुनो कहानी, ब्याह कराओ की मंठानी, राधे श्याम सीताराम रणुए गए भोपाल। लेकिन 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 एक बात बताइए, जो बहुजन मंच लगाए जा रहे हैं, ऐसा महाकुंभ किया जा रहा है, क्या लगता है इससे भला हो जाएगा या फिर? देखिए, ये जो है एक समाज को जागृत करने का और एक संदेश है, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि ऐसे कब तक चलता रहेगा? एक बार माननीय कांशीराम से संगठन के लोगों ने सवाल किया था पंजाब में ही रोपड़ में कि आप संगठन चला रहे हैं, यदि इन नेताओं की तरह यदि कहीं आप बिक गए तो? कांशीराम ने तुरंत जवाब दिया था कि यदि जिस दिन मैं बिक जाऊंगा ना, उस दिन मक्खन के मक्खी की तरह निकाल करके मेरे को फेंक देना, ठीक ना। लेकिन बहुजन समाज में, अरे भाई साहब, मोदी जी ने भी कहा था हमें नोटबंदी से 50 दिन का समय दे दो, जिस चौराहे बुलाओगे उस चौराहे पर मैं आऊंगा। उन्होंने कहा, उन्होंने तो ये भी तो कहा था कि 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था, 18 दिन मेरे को समय दे दो, कोरोना खत्म हो जाए। कोरोना 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 कहाँ था, अब कोरोना कहाँ है? एक मिनट, जब तक रैलियाँ, जब तक इलेक्शन आता था तभी कोरोना था। देखिए, बहुजन समाज के युवा हैं और तैयारी भी करने में खर्ची रह करके, लेकिन ऐसे तमाम युवाओं की ज़रूरत है हमारे देश को, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा, तभी बहुजन समाज के लोग देश को आगे लेकर जाएंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।